चाय नाश्ता हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि ड्यूटी भी जाना है। अरे दोस्त इतनी जल्दी क्या बात है, थोड़ा ठहरिए, कुछ बातें साथें हो जाए तो कुछ बात चले जाना। अरे ड्यूटी ज्वाइन करना है भाई, इसलिए कि देर हो जाएगी। जी तुमने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ चाय नाश्ता हो गया। अच्छा ये बताओ ये हमारी हवेली तुम्हें कैसी लगी? हवेली अच्छी बनी है। हाँ लेकिन चौहार बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हमारी बात ध्यान से सुनो। अरे लो दरोगा जी पहले आप क्या कर रहे हैं बेटा? हमारे घर जो मेहमान आता है हम उसे अपने पैसों से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये आप रहिए सब आपको हम भेंट में ये 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। अच्छी बात। हेलो सुनो संतराम यही गांव रिश्वत लेने से चाचा जी नहीं है, हम इसे आपको मेहमान के तौर में दे रहा हूँ, आपके आपका मान सम्मान कर रहा हूँ बेटे। उस जवाहर जो हमारे पिता जी दे रहे हैं ये रिश्वत नहीं है। अब दोस्त रिश्वत नहीं मत हो नाराज। चाचा जी ये तुम्हारा आने की राजपूतों का धर्म है बेटे जवाहर। लेकिन चाचा जी हाँ कहिए। मैं अगर चाहूं तो रिश्वत देने के जुल्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। देखिए आप सरकारी आदमी हैं, हम मानते हैं कि आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी बात की रिश्वत नहीं बल्कि घर आए मेहमान की हम इज्जत कर रहे हैं। ये घर आए मेहमान की इज्जत नहीं, इसके मतलब घर आए मेहमान की इज्जत ले रहे हैं। नहीं चौहार बेटे तुम्हारी भूल है। हीरा जवाहर ऐसा नहीं है कि जो मैंने सरकारी वर्दी पहनी है जानता हो, और ये कसम खाई है कि मेरे लिए रिश्वत लेना यानी कानून के खिलाफ है। ठीक है बेटे तुम्हारी इच्छा है। और अच्छा लोहा सिंह मैं चलना चाहूंगा। ठीक है आइएगा किसी दिन, जरूर आऊंगा। ठीक है। हेलो संतराम, संतराम भैया इसी गांव के हैं, 20 रुपया घर मालिक के व्यवहार। आगे हमारे संतराम नकारची मास्टर गांव सनबा से आए हुए हैं, घर मालिक साहब के यहाँ इनकी ससुराल है, यहाँ पर हम लोग नौटंकी हो रही है, हमारे मामा जी की ससुराल है। 21 रुपया घर मालिक साहब के लिए व्यवहार। संतराम का शुक्रिया मारो। बेटे लोहर सिंह अपने बाप की तरह ईमानदार वफादार है। बना बना काम बिगड़ गए, वो हमारा दोस्त है। हमें काम करते हैं कि हमें जो चीज पसंद आती है
हम उसे खरीद लेते हैं। क्यों नहीं? अगर नहीं देता तो हम उसे छीन लेते हैं। आ हम चलते हैं इसके बाप के घर, उसे राजी करके अपनी बेटी की शादी हम जवाहर से करेंगे और हम लोग मन चाहा दो नंबर का धंधा भी करेंगे। आइए हमारे साथ। कहवा गई ले लरा कैया हो सखी है। हेलो 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 सुनावा तुलसीराम फजलपुर ये कांड पर व्यवहार घरवाले के लिए सत्रोहन भैया। हेलो रसूलपुर सत्रोहन भैया रसूलपुर के निवासी है, ये 50 रुपए घरवाले के लिए। हेलो यह घरवाले में व्यवहार भाई किस कुमार भाई की तरफ से, इस कुमार की तरफ से ये 50 रुपया व्यवहार भैया फजलपुर लिखा था यार जानता है। अरे कहाँ गई ले लरा कैया हो सखी है हमको सताई कहाँ गई ले आगे राम के भाई फजलपुर निवासी भाई 21 रुपया व्यवहार धन्यवाद। जय मरगुलाल तुम्हारी भाभी नजर नहीं आ रही। खुश रहिए सदा सुहागन रहो प्रिय बेटा। जवाहर ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है, उसकी ड्यूटी रावण तांगे में है। खुश हो बेटा। ताजी आ गले से लगा लू तुम्हें लाडले तूने खुशियों तारा है चमका दिया, तूने खुशियों तारा है चमका दिया। सपना जो था मन में मेरे सपना मन में जो मेरे था बेटा जिसके सर पे द्वारे में मां बाप की उसकी होती विजय बाप हर हाल में उसको सिफारस सुनूंगा नहीं। तुम्हें देखकर आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें दुनिया का सब कुछ मिल गया है। लेकिन पिताजी क्या बात है, ये तो तुम्हारे और माँ के चरणों का प्रताप है, इसलिए कि आपकी ही दुआ से मैं आज इस महादेव को हूँ। ये तो भगवान की माया है। लेकिन माँ मुझे यानी भूख भी लगी है और ड्यूटी भी ज्वाइन करना है, तो जाओ सबसे पहले भोजन करो और उसके बाद ड्यूटी पर जाओ। हाँ जी, क्योंकि मुझे देर हो। और याद रहे ईमानदारी और वफादारी के साथ ड्यूटी निभाना, क्योंकि सरकार ने तुम्हें ये वर्दी दिया है देश की रक्षा के लिए। और मत भूलना
कि देश के साथ में अन्याय है। नहीं, मैं हमेशा एक न्याय करूंगा और किसी नाजायज इंसान को सताऊंगा नहीं। और घूसखोरी सिफारिश अगर कोई आता है तो उसे सुनूंगा नहीं। मुझे तो और मेरा एक फर्ज जो है कि जो कसम दिया जाता है कि चाहे माँ हो या बाप हो या भाई हो, अपने कानून क्या कि उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है बेटा, जाओ खुश रहो। हेलो, तब तक जसवंत सिंह पहुंचे। अभिषेक, आज काफी दिनों के बाद हमारे पास आने का कोई खास मतलब तो काफी समय होगा और मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूँ और हम जानते हैं कि आप हमारी उम्मीद को ठुकराएंगे नहीं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। अरे सुनिए दोस्त, जवाहर बेटा आपका, जवाहर बेटा आपका और रूपा सुता हमारी, अरे दोनों की कर दूं शादी और कर लाए हो। का बेटा है और रूपा सुता हमारी है, अगर आपकी राय हो तो हम दोनों की शादी करना चाहते हैं। आपके कहने का मतलब कि जो मेरा बेटा जवाहर है, जी हाँ, उसकी शादी आप अपनी बेटी रूपा के साथ करना चाहते हैं? तो सुनिए, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और मंजूर बात मुझको, मंजूर बात मुझको, आए दोस्त मन तुम्हारी बात, मंजूर बात मुझको, मंजूर बात मुझको, दोस्त मन तुम्हारी, मुझको भी खुशी होगी, मुझको भी खुशी होगी, हो जाए रिश्तेदारी। जवाहर से राय लेना चाहिए, राय ले लू फिर बात होगी सारी, राय ले लू फिर बात होगी सारी, बतलाओ प्रियसिया क्या राय है तुम्हारी, कच्ची की बात छोड़ो, कच्ची की बात छोड़ो, पक्की की करो तैयारी, पक्की की बात करो तैयारी, रूपा की कर दो शादी हो जाए रिश्तेदार।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बेटी शादी कर दो और मेरे बेटा हमेशा मेरे कहने के मुताबिक चलता है, मेरी कहना क्यों नहीं मानेगा? ठीक है नाथ, मेरे कहने बेटा ऐसा नहीं कि मेरी बात नहीं मानेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके कहने का मतलब कि बहू को आपने पहले ही देख लिया है और बेटे को बनाना ये तुम्हारा काम है, तो ठीक है दोस्त जी, चप 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 सब राजी खुशी है तो फिर शादी के दिन तारीख पक्की कर लीजा। हाँ ठीक है, और लेना देना भी तय हो जाए, बात का कोई लेने देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, आप तारीख पक्की करके और हमें खबर दे देना, ठीक है, और मैं बारात लेकर आपके हवेली में आ जाऊँ। ठीक है, हम आपको फोन से सब बता देंगे और आप लोग बारात लेकर आ जाइएगा दरवाजे पर। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है सर, नमस्ते, खुश रहो बेटा खुश रहो। अपराधी का डेरे लेके आया हो, हमारे यहाँ बफर सिस्टम के इंतजाम रहे, चाहे बफर खाए हो और चाहे सिस्टम खाए हो। ये बफर क्या है सिस्टम क्या है? साहब बफर में पूरी सब्जी ई रहे पिलाओ, और सिस्टम में काला जाम पेड़ा मिठाई ई तीनों रहे। अच्छा तेरे कहने का मतलब समझ गया, मुर्गा पखना रहे। रिश्तेदारी हो गई मजाक चालू, अरे तो तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना। चलो ठीक है, हम तारीख का इंतजार करेंगे और चलकर हम शादी की तैयारी करते हैं। प्रिय शीला ठीक आइए। हन्नू प्रधान, हन्नू प्रधान बवा बाजार से आए हैं, ये 100 के नोट से 50 रुपए भाई घर मालिक के लिए व्यवहार, और कल्लू भैया बवा बाजार के हैं वो भी 50 रुपए घर मालिक के व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी शुक्रिया करती है। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब बलम का सुधिया आवे। जी भैया, बाबा दीन भैया यही गांव, 50 रुपए घर मालिक का व्यवहार। रविंद्र कुमार फजलपुर, 21 रुपए घर मालिक का व्यवहार। सुनो मैकुलाल, कहीं से कोई खबर तो नहीं है? अरे भैया हाय खबर, अरे जो जोन खेमापुर के मेलवा में चाटवा मार रही तू है, हाँ उसकी शादी हो रही है, हाँ वो भी इंस्पेक्टर जवाहर के साथ। अरे उसके लिए मैंने प्रतिज्ञा किया है कि उसकी शादी होगी तो केवल मेरे साथ होगी। अरे तो मौका अच्छा बा, शादी जवाहर के साथ हो रही है लेकिन सुहाग रात हमारे साथ होगी। बिल्कुल मैं जैसा कहता हूँ ऐसा तुम लोग करो, उसके डोले को चल करके लूट लेना है। बिल्कुल समझ गए ना, आओ मेरे साथ चलिए। सॉरी, नमस्ते, नमस्कार, तुम मेरी पत्नी हो, हाँ? हमने तुमसे प्यार किया है बहुत। और मांग में सिंदूर डाला है जी? अब तुम्हें जैसा मैं कहूँगा वैसा करना होगा। क्या करना होगा? करना ये होगा कि तुम्हें हमारे साथ जवाहर की शादी होने वाली है तो वहाँ चलना पड़ेगा। वहाँ क्या करना पड़ेगा? वहाँ करना ये पड़ेगा कि डोले में दुल्हन की जगह तुम्हें बैठना पड़ेगा। घबराओ नहीं, कोई खतरा नहीं होगा, केवल उसे एक सबक सिखाना है। हाँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, शादी तुम्हारे साथ हुई है, मैं उसे केवल सबक सिखाना चाहता हूँ। तो मुझको ले जाके क्या करेगा तू? कुछ नहीं करेगा, वो जब देखेगा तुम्हें तो हटा देगा, तुमको बचाना हमारा काम है। चलो समझ गई, लेकिन रूपा की जगह डोली में तुमको बैठना है। ठीक है, आओ हमारे साथ चलिए। कुलार कहाँ है तू? ये बता, एक दिन हम कहाँ नौता उता सबका दे आई नौता हो गया? आज बारात भी आने वाली है, पूरा कोई कमी तो नहीं? वो चंडाल लगवा दे, चंडाल नहीं पंडाल,
करती है हमारे। ये बता पिताजी इस समय कहाँ है? पिताजी ए पपीता जी कहाँ? बैंक क्या वो रुपया लानी? हाँ कहाँ भाई, देना पड़ेगा ना। हाँ कहीं जाए पर विधायक कुछ। अच्छा ये भंडारी लोग जो आए थे वो सब कंप्लीट कर देना था? भंडारी लोग का सामने खड़ा है, रुपया दिखाओ। हवा भैया कोई कमी तो नहीं है? हमारी बहन के शादी में कोई कमी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा था एक कमी है बात यही कह। हेलो इधर सारी तैयारी हो चुकी है, इंतजार है बारात आने की। बारातीगण बारात लेकर आ रहे हैं, पूरी तैयारी हो गई है जी पिताजी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भोजन तैयार। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की। हेलो 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 हेलो, आज की शादी है मेरे दिल का, शादी है आज मेरे यार की शादी है। हेलो अब्दुल हमीद फजलपुर, अब्दुल हमीद की तरफ से 50 रुपए घर मालिक साहब के लिए व्यवहार। अरे ऐसा लगता है चारे संसार हरे हरे हरे। प्रधान भैया प्रधान, प्रधान भैया प्रधान, प्रधान भैया घर मालिक जी 20 के पर से 10 रुपए नाम दिए हैं। धन्यवाद। अरे आए हम बाराती बारात लेके, आए हम बाराती बारात लेके। हेलो हेलो अतुलपुर, अतुलपुर के कोटेदार भैया, अतुलपुर के कोटेदार 100 रुपया व्यवहार। आए हो 50 रुपया साहब लाल भजनपुर व्यवहार घर वाले के लिए। आए हम बाराती, आए हम बाराती बारात लेके। बाजा बंद करो, अभिया नाश्ता पानी आवता है। दूल्हे राजा के ले जाता है शादी वाले मंडप में, वहाँ जयमाल द्वारा शादी होगी। दूल्हे राजा चलो हमारे साथ, और यहाँ सबका सिस्टम खवाओ, पाका लौड़ी वगैरह खवाओ। चुप। हेलो हरिश्चंद्र भैया तेंधा के निवासी है, तेंधे गांव के। ये 100 रुपए घर वाले साहब के लिए व्यवहार। अरे दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। ए बरती है भैया, खास खास बरती है। शादी के मंडप में चलो और जान उठाए गिर बरती हो, वहीं स्कूल पर रुको आलू निकोलो हो। जी अपने रीत अनुसार शादी हो गई है। अब चाचा जी से पूछिए कि हमारी बहन को ले जाने के लिए कौन सा साधन लाए हैं। साधन है, देखिए शादी हो गई है, अब रूपा को विदा करो दूल्हे के साथ, समय कम है काम ज्यादा है, चाहे कहारों को ले आओ। अरे आजकल का मॉडल जमाना आ गया है, दूठौर बुलवोलो लावहन बुलवोलो, वह बैठाओ मन से पहुंचाई। हाँ ए गाड़ी लगाओ, गाड़ी लगाओ अपन। हाँ ए कहाँ रो अपन डोली ले गाड़ी भर जाओ। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की पिया।
लंगरदार हाँ लंबदार है जदत में नहीं ना आज हम टपल बुकिंग बांधे हैं अलग हाँ तू काम करो दूल्हे और दुल्हन को बुलोरम बिठाओ और जल्दी ले हाँ और तुम सब जल्दी आओ हमारा बिदाई उदाई हुआ चाहिए हाँ बिदाई मिलेगी हाँ पक्का ए भैया भैया आओ आओ नाउन तो करवावत तो है कहाँ पर आती है अकमल भैया अकमल फजलपुर ये कांवर रुपया ये भाई घर मालिकता है व्यवहार दिए था पाठक रसूला का धन्यवाद नमस्कार आओ आओ तू है नाउन लेके आओ लेके आओ पिया की नगरी ले जाओ कहे है कहा अरे गरिये गरिये पे गरिये पल्ले लाल को है डोली ले जाए परे आओ लो यहाँ सिक्स लाइन में पल्ले चढ़ा दियो गाड़ी है और उतर न पाए हाँ सही कहा था जवान इतना ऊंचा है लाओ ए नाउन बैठाओ है नौनिया जिंदगी में कदम और कराया कि आज पहली बार देख करा होती हजरे लंबा हाँ? अब भी तक पार करो चलो भाई तू अगवाओ सब हो गया है हाँ? तुम दुल्हन को ले जाओ बस सौ पचास की हमारी बेटी है हमको बस बर्दाश्त नहीं है सौ पचास हमारे आंसू आ रहे हैं सौ पचास दे तो आगे कहूँ लगा लिया मैं दूजा दे हेलो हे मैया न बैरी अरे बप्पैया न बैरी यही रुपयवा पहरी ना यही रुपयवा पहरी ना अरे दसवा कलिया माँ घुमावा यही रुपयवा अरे ठाड़ करो बढ़नी अरे पियड़ करो कूची अरे नई हरियाणा गाल फूल प्रधान भैया रिश्तेदार हैं भाई ये दस दस रुपया दोनों कहारन के ताए दे हैं कि जाओ सब भाई दोनों ने अब भाई बीस मिला के एक पौवा लगा लिया सब हे अरे जह दिन राम जनकपुर में आए देवबर से ला देना सोना चांदी आकर पवा देवबर सुनी तहरावा के कुआवा अरे भौती तो जो बनावा सब बनावा ये आ गई भाई सीमा डभियारा गांव से आई है पचास रुपए व्यवहार और बलराम भैया देवनाथ भैया देवरा गांव से आए हैं पचास रुपए घनमल के लिए व्यवहार ए भैया दूर जने ना चढ़े भाई देवनाथ डभिया भैया ये काम करो भैया व्यवहार देने वाले भाई अगर आप लोग संगीत देखना चाहते हैं तो व्यवहार इकट्ठे बुला दी कलहो भैया जगनैया गांव कलहो भैया जगनैया वाले पचास रुपए घर मालिक ताई व्यवहार दिया था पार्टी तरफ लाख लाख धन्यवाद काव करी बच्ची करम कह रही फुटही अरे कंडा वाला घर पायू खटिया पायू तू तुहरे जटिया के बिचवा एक फटी है दवाइया क्यों हो रैया ना मिला क्यों मेहरैया ना मिला वही दवाइया माता वहीया क्यों हर करो टंगरी अपिपतिया सुनो अपनी अरे तू तो रगरी जा बुना तू तो रगरी जा बुना जह दिन जही है तोर गवनवा तू तो हेलो गौर फरमाइएगा इधर दुल्हन तारीफ पहुंच जाती है जसवंत सिंह के यहाँ इधर दुल्हन सुहाग रास्ते वाले कमरे में दिखाई जा रही है नाउन दुल्हन को लेकर जा रही है हे नुनुनिया ओ नुनुनिया जी
लड़के चला दुल्हन को बैठाऊ रूपा आज तू घूंघट में उससे बड़ी सुंदर लग रही हो अरे पहली है रात शर्मा गोरी गोरी घूंघट गोरी घूंघट तो पटी दे खोल जवानी के लिए मुझे गोरी घूंघट रूपा नहीं बल्कि ये कोई चंडालनी है अरे लड़की मैं पूछू उसे साफ साफ बताना हाँ बताऊंगी ओ लड़की नाम क्या है सच सच मुझे बता रही हूँ नाम मेरा सारी सची बता रही इसका मतलब मैं समझ नहीं पाए आप नहीं समझ पाए दोस्ती का फर्ज निभा रही हूं बेटा फौरन इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ नहीं ले चलो नहीं हथकड़ी नहीं लगाओ शशवंत सिंह के पास मैं मर जाऊंगी और मैं भी नहीं साहिबान क्या बात है तोरे पीछे यह गांव का प्रधान बाबू आएगा सबका ब्याह होगा मुझे छोड़ दे बाबू जी नहीं तुम्हें ठाकुर के स्वर्ग सिंह के पास ले चलूंगा और उसको इस बेइज्जती का जरूर उससे बदला चुकाऊंगा बेटा जवाहर ले चलो चलिए
कुमार सिंह, देखिए अपनी बेटी की शादी हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग दो नंबर का धंधा करेंगे। क्यों नहीं? पुलिस वाले हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, है ना? क्यों नहीं? जब रिश्तेदार तुम्हारे इंस्पेक्टर है, हाँ, चाहे दो नंबर का करा चाहे ई नंबर। ए, हमारा दोस्त यानी हमारा समधी इंस्पेक्टर है, और सुन हमारा दामाद इंस्पेक्टर है, है ना? चमक गया, और मेरे साथ तेरा भी धंधा चमक गया। कौन से धंधे में? काल ये धंधा में 8:30 बज गया है हमका। फेरा तो फेरा, ये बता कि जब पहले तू हवेली आता था तो एकदम चेहरा तेरा खिला हुआ रहता था, हाथ भर भरते थे, आज तेरा हाथ किसने काटा है? ठाकुर साहब, हमने जीवन में पहली बार बहुत बड़ी भूल की है। कौन सी भूल? जिस लड़के को